नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी में लेक्चर नंबर 74। बुक का नाम है एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी, मेमेलियन एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी। देखिएगा, अपने बात कर रहे थे अभी तक कि जो जितने भी मेमेलियंस हैं उनके अंदर फिरोमोन बनते हैं, और वो फिरोमोन जो हैं वो मेमेलिया के द्वारा बनते हैं, फीमेल्स के द्वारा बनते हैं, मेल के द्वारा बनते हैं। उसको प्रूव करने के लिए कुछ अपने एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिसमें पहला प्रभाव हमने देखा था, जो एक्सपेरिमेंट है उनको उस वैज्ञानिक के नाम के आधार पे हमने वो इफेक्ट नाम बोल दिया था, प्रभाव नाम बोल दिया, जिसमें हमने पहला पढ़ा था लीबूट प्रभाव। कौन सा था पता? लीबूट प्रभाव। लीबूट प्रभाव में हमने देखा था कि यदि चार फीमेल माउस हैं उनको यदि एक साथ रख दिया जाए तो हम देखते हैं कि चारों को मध्य चक्र में क्या रहती है, अनियमितता आ जाती है। उसका रीजन क्या होता है कि कोई भी चूहिया है जो उसके द्वारा फेरोमोन स्रावित होते हैं, और वो फेरोमोन क्या करते हैं, उन चारों ही चूहियाओं के मध्य चक्र में अनियमितता उत्पन्न कर देते हैं, जिससे उनमें शूडो प्रेगनेंसी मिथ्या गर्भावस्था के लक्षण देखे जा सकते हैं। उसके पश्चात लीबूट ने पहला एक्सपेरिमेंट ये किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट कंपेरेटिव किया कि उन्होंने चारों चूहियों के जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन थे उनको रिमूव कर दिया बाय सर्जरी। तो सर्जिकल रिमूवल करने से उन्होंने देखा कि चारों चूहियों को फिर वापस रखा साथ में आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, तो उन्होंने देखा कि अब इनके अंदर जो है मध्य चक्र है या मेंस्ट्रुअल जो ऑयस्टर साइकिल पाई जाती है इनमें, तो मध्य चक्र या ऑयस्टर साइकिल के अंदर कोई भी अनियमितता नहीं होती है, वो एकदम रेगुलर आते हैं, और साथ में शूडो प्रेगनेंसी भी नहीं दिखाई देती है। ये प्रभाव कौन सा था? लीबूट। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो रिजल्ट निकाला लीबूट ने वो ये निकाला कि वास्तव में फीमेल माउस के द्वारा जो है क्या स्त्रावित होते हैं, मादा चूहिया के द्वारा फेरोमोन स्त्रावित होते हैं जो अन्य मादा चूहियों के मध्य चक्र में अनियमितता उत्पन्न कर देते हैं और शूडो प्रेगनेंसी दिखाई देती है। तो ये बात किसने कही थी? लीबूट इफेक्ट में कही गई थी। दूसरा प्रभाव था विटन प्रभाव। विटन प्रभाव जो है उसके अंदर डब्ल्यू के विटन थे, उन्होंने बताया था कि यदि जो है नर चूहे की गंध जो है वो मादा चूहे की मध्य चक्र को क्या बना रहती है, समकालिक और नियमित बनाए रखती है, और यदि मादा समूह में एक भी नर चूहा है तो उसकी गंध से मादा चूहे का मध्य चक्र नियमित और समकालिक बना रहेगा। इस प्रकार कारण क्या था कि जो है जो नर चूहा है, यानी कहने का मतलब विटन ने ये कहा था कि यदि कोई चूहों मादा चूहों का कोई समूह है उसके अंदर यदि कोई भी एक नर चूहा मौजूद है तो वो नर चूहा क्या करता है, उस नर चूहे के मूत्र के द्वारा फेरोमोन स्रावित होता है, और वो फेरोमोन क्या करता है, अन्य मादा चूहों के मध्य चक्र को क्या बनाए रखता है, नियमित और समकालीन बनाए रखता है। और यदि झुंड में एक भी नर चूहा नहीं है तो मध्य चक्र में क्या बनी रहती है, अनियमितता बनी रहती है। ये बात किसने कही थी? विटन ने कही थी। तो कहने का मतलब यही है कि यदि चार चूहों का ग्रुप है उसके अंदर यदि नर चूहा नहीं है तो रज चक्र में क्या बनी रहती है, अनियमितता बनी रहती है और शूडो प्रेगनेंसी दिखाई देती है। और यदि जो चार चूहों के समूह को उन्होंने लिया, दूसरे प्रयोग में देखा कि यदि एक भी नर चूहा मौजूद है तो सबका जो चारों चूहों मादा चूहों का जो मध्य चक्र है वो नियमित और समकालीन बना रहता है। तो ये था कौन सा प्रभाव? विटन प्रभाव। तीसरा प्रभाव था ब्रूस प्रभाव। ये मिस हेलेन ब्रूस ने दिया था, ब्रूस इफेक्ट। मिस हेलेन ब्रूस ने दिया था या बताया था। इन्होंने क्या बताया है ब्रूस प्रभाव में कि इन्होंने भी चूहों पे प्रयोग किए, वही फीमेल पे किए, मेल को लेकर किए। इन्होंने कहा कि इनका जो मेन थीम थी वो क्या थी कि यदि कोई मादा चूहा है उसको यदि परिचित नर चूहे के साथ रखा जाए और वो प्रेग्नेंट हो जाती है,
या गर्भावस्था में होती है। अब यदि वो मादा चूहा चूहिया जो है उस परिचित चूहा, परिचित चूहे का मतलब क्या, जिससे वो मतलब जिससे प्रेग्नेंट हुई है या जिस नर चूहे से उसने गर्भ धारण किया है, यदि उस मादा चूहे को उसी नर चूहे के साथ रखा जाए तो क्या होगा, उसके अंदर गर्भावस्था बनी रहती है। एक प्रयोग तो इन्होंने ये कहा किया, पहला प्रयोग कि मादा चूहा जिस नर चूहे के साथ मैथुन की क्रिया करती है, यदि उसको उसके साथ ही रखा जाए पिंजरे में, तो जो है मादा चूहा उसके गर्भावस्था बनी रहती है। दूसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया कि यदि उस मादा चूहे को किसी दूसरे अपरिचित चूहे के साथ रखा जाए और वो मादा चूहा जो है पहले से क्या है, मादा चूहिया पहले से क्या है, प्रेग्नेंट है यानी गर्भावस्था में है, अब यदि उसको दूसरे किसी अपरिचित चूहे, और अपरिचित चूहे की यहाँ पर परिभाषा क्या रहेगी कि जिसके साथ उसने मैथुन नहीं किया है, तो दूसरे किसी अपरिचित चूहे के साथ रखा जाए, नर के साथ रखा जाए, यहाँ कंडीशन नर की लागू होती है, तो उस गर्भावस्था वाली मादा चूहिया को अपरिचित नर चूहे के साथ रखने से उसके अंदर गर्भपात हो जाता है। तो दूसरा प्रयोग उसने ये किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नर चूहा है अपरिचित, उसके द्वारा फिरोमोन स्रावित हुआ, उस फिरोमोन ने क्या किया कि जो मादा चूहा जो पहले से गर्भावस्था में थी उसकी गर्भावस्था को डिस्टर्ब कर दिया उस फिरोमोन ने। साथ में उन्होंने एक प्रयोग और किया कि यदि जो परिचित जो मादा चूहिया परिचित मादा जो नर परिचित जो मादा सॉरी मादा चूहिया जो परिचित नर के साथ गर्भावस्था धारण कर लेती है, अब यदि उसको यदि अपरिचित नर चूहे के साथ रखा जाए और वो अपरिचित नर चूहा उसके साथ यदि मैथुन कर लेता है तो भी उसके अंदर क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो यानी दो कंडीशन हुई थी ब्रूस प्रभाव में, यानी कुल तीन कंडीशन होगी कि पहली कंडीशन क्या कि मादा चूहे को किसके साथ रखा, परिचित नर चूहे के साथ, तो गर्भपात नहीं होता है। दूसरी कंडीशन में क्या किया कि जो गर्भित मादा होती है चूहिया उसको यदि अपरिचित चूहे के साथ ही अगर रख दिया जाए तो भी गर्भपात हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, यदि गर्भित मादा चूहिया किसी अपरिचित नर चूहे के साथ में क्या कर लेती है, मैथुन क्रिया कर लेती है, तो भी उसमें क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो जो लास्ट वाली दोनों कंडीशन है उसमें इसने बताया कि अपरिचित नर चूहा जो है उसके द्वारा फिरोमोन स्रावित होता है, वो फिरोमोन क्या करता है, गर्भावस्था को डिस्टर्ब कर देता है यानी गर्भपात कर देता है यानी अबॉर्शन हो जाता है। तो ये प्रयोग सिद्ध करते हैं कि वास्तव में चूहा जो था नर, उस जो अपरिचित चूहा था उसके द्वारा फिरोमोन स्रावित हुए और उन फिरोमोन ने क्या किया कि जो गर्भित मादा चूहिया थी, जो गर्भावस्था वाली मादा चूहिया थी, उसने क्या किया, उसने जो अपरिचित नर चूहे जो फिरोमोन से उनको घ्राण उपकला द्वारा क्या किया, प्राप्त किया, और करने के पश्चात जो है उसमें गर्भपात हो जाता है। और इसमें कुमारी जो ब्रूस थी, हेलन ब्रूस थी, उन्होंने ये भी बताया कि जो ये ओल्फैक्टरी ऑर्गन जो होते हैं यहाँ से आवेग जो है सेरिब्रम तक जाते हैं और सेरिब्रम से फिर आवेग हाइपोथैलेमस तक जाते हैं और हाइपोथैलेमस द्वारा प्रोलैक्टिन का संबंध हो जाता है और प्रोलैक्टिन का संबंध होने से क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है जिससे मादा चूहे में क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो ये बात किसने बताई थी, जो कुमारी हेलन ब्रूस। तो कुमारी हेलन ब्रूस का यदि हम प्रयोग देखें तो इन्होंने क्या बताया कि अपरिचित नर चूहे की गंध, गंध का मतलब यहाँ किससे, फिरोमोन से, फिरोमोन की गंध किसी भी गर्भावस्था वाली वाली मादा चूहे में गर्भपात उत्पन्न करती है, जबकि परिचित नर चूहे की गंध यानी फिरोमोन से गर्भावस्था बनी रहती है बनी रहती है। ये कौन सा प्रभाव है, ब्रूस
प्रभाव, यानी अपरिचित नर चूहे की गंध मादा चूहे में गर्भधारण की क्रिया का संबंध करती है, जबकि परिचित नर चूहे की गंध गर्भधारण की क्रिया को क्या करती है, प्रभावित नहीं करती है। तो ये बात किसने कही थी? एलन ब्रूस ने। यानी कि अपरिचित नर चूहे की जो गंध है वो गर्भावस्था को बनाए नहीं रखने देती है, या जो अपरिचित नर चूहे की जो गंध या फेरोमोन्स होते हैं वो गर्भावस्था को डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी गर्भधारण में बाधा उत्पन्न करते हैं। अपरिचित नर चूहे की गंध जो है, यानी गर्भधारण उसमें क्या उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि परिचित नर चूहे की जो है गंध या फेरोमोन गर्भावस्था को बने रहने में क्या है, सहायक है, या यूं कह सकते हैं बने रहने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है। ये ही कौन सा है, ब्रूस इफेक्ट है। अब इसके लिए यदि हम थोड़ा सा डायग्राम से अगर हम समझें तो
तो ये ब्रुश के तीनों प्रयोग किए गए थे, किसके द्वारा? ब्रुश के द्वारा। आप देख सकते हो इसमें तीनों प्रयोगों के अंदर जो है क्या क्या घटनाएं हैं, पूरे अपने इसमें चित्र के द्वारा अपने अच्छे से समझ सकते हैं। पहली है मादा गर्भावस्था में है, उसको परिचित चूहे के साथ रख दिया तो गर्भावस्था बनी रहती है, यानी इसने इस मादा ने इस नर के साथ हिमैथुन करके गर्भ धारण किया है, और यदि इसको इसी के साथ रखा जाए तो गर्भावस्था बनी रहती है। अब यदि गर्भावस्था वाली मादा चूहिया जो होती है उसको अपरिचित चूहे के साथ रख दिया जाए, इस लाइन का मतलब क्या है, इसको केवल रखा गया है, इसने इसके साथ मैथुन नहीं किया है, तो गर्भपात हो जाता है रखने से ही। और तीसरी कंडीशन क्या है कि हमें लाइन हटा दी, इसका मतलब क्या है कि ये गर्भावस्था वाली मादा चूहा है, इसने क्या किया, अपरिचित नर चूहा इसके साथ गर्भ धारण करने के पश्चात भी अगर ये इसके साथ और गर्भ इसने दूसरे किसी चूहे से किया है, नर चूहे से, तो ये अपरिचित चूहा हो गया, इसके लिए उस अपरिचित चूहे के द्वारा यदि इसके साथ मैथुन की क्रिया की जाती तो भी इसमें क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिचित चूहा जो है उससे भी फिरोमोन स्रावित होता है, अपरिचित चूहा उससे भी क्या स्रावित हो रहा है, फिरोमोन स्रावित होता है। तो परिचित चूहा जो है वो तो इसकी गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक है, और जबकि अपरिचित चूहे का जो फिरोमोन है वो इसको गर्भपात करने के लिए क्या है, जिम्मेदार होता है, उसके अंदर गर्भपात करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखिएगा कि होता क्या है कि इसमें ब्रुश ने ये बताया कि जो स्ट्रेंज मेल होता है उसके द्वारा फिरोमोन स्रावित होता है, वो ऑल्फैक्टरी जो ऑर्गन होता है उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, वहाँ से जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो उस सूचना को प्राप्त करते हैं, तंत्र के आवेग प्राप्त करते हैं, वहाँ से सूचना सेरिब्रम में जाती है, सेरिब्रम से कहाँ जाती है, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि जो प्रोलैक्टिन है उसके सिक्रेशन का क्या करता है, इनहिबिशन कर देता है, यानी उसका संधमन कर देता है प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन का अगर संधमन होता है तो जो है कार्पस ल्यूटियम उसके द्वारा बनने वाला जो प्रोजेस्टेरोन है उसका भी संधमन हो जाता है, जिससे क्या उत्पन्न हो जाता है, अबॉर्शन उत्पन्न हो जाता है, किसके अंदर, इसे मादा चूहिया जो पहले से गर्भ धारण कर रखा है उसका रीजन इसने ये बताया। तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की भूमिका होती है, तो इसको अपन थोड़ा सा देखें इस बात को, तो ये प्रभाव तो ब्रुश प्रभाव हो गया, और इसने ब्रुश ने जो है मिस हेलेन ब्रुश ने इसका मैकेनिज्म में बताने का कोशिश किया कि किस कैसे किस प्रकार से ये गर्भपात हुआ है या गर्भावस्था बनी हुई रहती है। तो सबसे पहले स्ट्रेंज मेल, स्ट्रेंज मेल माउस, इसके द्वारा क्या स्रावित हुआ, फिरोमोन। फिरोमोन जो है ये ओल्फैक्टरी ऑर्गन द्वारा यहां से फिर आवेग कहा जाते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यहां से सेरिब्रम, सेरिब्रम से हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन, ऑफ प्रोलैक्टिन, और जो प्रोलैक्टिन है ये किसका इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन और डिक्रीज ऑफ इन कार्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड अबॉर्शन। तो ये सिस्टम बताया था, स्ट्रेंज यानी अजनबी चूहा या एक अपरिचित चूहा है उसने क्या स्रावित किया, यानी कुमारी हेलेन ब्रुश ने यह बताने की कोशिश की है कि जो अपरिचित चूहा है उसने किसका स्राव किया, फिरोमोन का स्राव किया, और फिरोमोन जो मादा चूहिया जो गर्भावस्था में थी उस उनके ओल्फैक्टरी ऑर्गन ने उस फिरोमोन की गंध को लिया, लेते ही जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो एक्टिवेट हो गया, वहाँ तक तंत्र के आवेग गए, वहाँ से सेरिब्रम में गए तंत्र के आवेग, वहाँ से फिर हाइपोथैलेमस में गए, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, प्रोलैक्टिन का इनहिबिशन कर दिया, और प्रोलैक्टिन का जैसे इनहिबिशन होता है तो डिक्रीज इन कॉर्पस ल्यूटियम, इन कॉर्पस ल्यूटियम डिक्रीज हो जाती है, और कॉर्पस ल्यूटियम जैसे डिक्रीज होती है तो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा
प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, और प्रोजेस्टेरोन जैसे डिक्रीज होता है तो मादा जो या जो थी गर्भावस्था में थी उसके अंदर क्या हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हेलेन ने क्या किया, अपना ये प्रयोग किया। अब देखिएगा कि एक प्रयोग और कर दिया इन्होंने, हेलेन ब्रुस ने ये भी बताया था कि यदि हमने मादा चूहा जो है जो गर्भावस्था में उसको यदि हम अपरिचित चूहे के साथ रखें, परंतु उससे पहले, क्योंकि अपरिचित चूहे के साथ रखने का मतलब क्या हुआ, प्रोलैक्टिन का संधमन हो रहा है, प्रोलैक्टिन बनना बंद हो गया, और प्रोलैक्टिन जो बनना बंद होता है तो ही अबॉर्शन हो रहा है, मेन कारण तो यही है इसका। तो प्रोलैक्टिन बनना बंद ना हो तो हेलेन ब्रुस ने प्रयोग और किया कि जब कोई गर्भावस्था वाली मादा चूहिया जो है उसको अपरिचित चूहे के साथ रखा जाए, पर उससे ठीक पहले उस गर्भित मादा चूहा के प्रोलैक्टिन का इंजेक्शन दे दिया जाए तो उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यही गर्भावस्था उसकी बनी रहती है। और गर्भावस्था क्यों बनी रहेगी, क्योंकि हमने क्या किया कि उसको अपरिचित चूहे को मादा चूहे जो गर्भावस्था वाली मादा है उसको अपरिचित चूहे के साथ रखा है, उससे पहले प्रोलैक्टिन का इंजेक्शन दे दिया, तो जिससे प्रोलैक्टिन का लेवल कम नहीं होता है, प्रोलैक्टिन बना रहता है, तो जिस कारण से उसके अंदर अबॉर्शन भी नहीं होता है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो ये स्ट्रेंज मेल जो है उसके द्वारा क्या स्त्रावित हुआ, फिरोमोन स्त्रावित होता है, जो कि प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो क्या कर रहा था, कम कर रहा था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो ये स्तनधारी जंतु हैं इनके अंदर क्या बनते हैं, विभिन्न प्रकार के फिरोमोन्स बनते हैं, और ये फिरोमोन्स होते हैं ये क्या है कि गर्भावस्था को बनाए रखने या व्यवहार में परिवर्तन को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। क्योंकि गर्भावस्था का बने रहना या गर्भपात होना ये क्या हो रहा है, इससे व्यवहार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए ये जो है ब्रूस इफेक्ट ये भी ये बता रहा है कि वास्तव में फिरोमोन्स बनते हैं स्तनधारियों के अंदर, स्तनधारियों के फिरोमोन जो हैं वो क्या करते हैं, इनको व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। अब देखिएगा कि कुछ वैज्ञानिक जो थे उन्होंने चूहे के अंदर भी बताया, स्त्रियों के अंदर भी बताया, और कुछ बंदर है रिसर्स है इनके अंदर भी बताने का प्रयास किया कि वास्तव में इनमें फिरोमोन बनते हैं। जैसे अपने एक वैज्ञानिक थे माइकल वैकेवर्न, 1964 में इन्होंने बताया कि मादा रिसेस बंदर की जो वेजाइनल जो फ्लूड होता है उसके अंदर कोपुलिन नामक क्या पाया जाता है, फिरोमोन पाया जाता है, और जो कि नर वानरों को जनन काल में क्या करता है, मैथुन के लिए आकर्षित करता है। और ये रिसेस बंदर के अंदर तो देखा ही देखा था माइकल और केवर्ड ने, साथ में इन्होंने बताया कि जो फीमेल होती हैं, स्त्रियाँ जो होती हैं उनके जो वेजाइनल फ्लूड है उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, ये कोपुलिन नामक जो मटेरियल है वो पाया जाता है। माइकल व केवर्न ने 1964 में बताया कि मादा रिसेस बंदर के योनिस्त्राव से स्त्राव में कोपुलिन नामक फिरोमोन बनता है, फिरोमोन बनता है, पाया जाता है जो कि जनन काल में नर को आकर्षित करता है। और ये फिरोमोन और ये कोपुलिन स्त्रियों में भी बनता है, स्त्रियों में भी क्या बनता है। तो ये बात किसने कही थी, माइकल और केवर्न ने बताई थी। उसके अलावा माइकलन बॉन्सिल और वार्नर थे, उन्होंने बताया कि जो स्त्रियां होती हैं उनके वेजाइनल फ्लूड के अंदर प्रोपियोनिक मिथाइल ब्यूटेनोइक और मिथाइल पेंटोइक अम्ल भी रसायन जैसे हैं वो पाए जाते हैं, और ये जो वसीय अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं, और ये सारे के सारे जो रसायन होते हैं ये नर को कि अपने और क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और ये जो है चाहे वो मिथाइल पेंटेनोइक अम्ल हो, चाहे मिथाइल प्रोपियोनिक और मिथाइल ब्यूटेनोइक और सीधा प्रोपियोनिक अम्ल जो होते हैं ये वसीय अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं, और इनकी जो मात्रा है वो समय समय पर बदलती रहती है। जैसे जो रजचक्र है उसके दौरान की मात्रा अधिक
दिखाई देती है, और जो ड्यूटी अवस्था आती है जैसे जैसे रथ चक्र समाप्त होता है उस दौरान की मात्रा क्या है इन अवश्य अमलों की कम हो जाती है। तो मतलब स्त्रियों के अंदर ये बनने वाले चारों ही जो अवश्य अमल हैं ये क्या है फिरोमोन की भांति काम करते हैं, यानी फिरोमोन के रूप में इनको पृथक किया गया। उसके अलावा जेले मैनगन एक वैज्ञानिक ने उन्होंने बताया कि एंडोस्रव के दौरान जो स्त्रियाँ होती हैं उनके जो है एक्सेलोटेड एक 14 हाइड्रोक्सी टेट्राडेकनोइक अमल होता है वो भी बनता है कब अंडोसर की अवस्था में, और ये जो है पुरुषों के अंदर ये नहीं पाया जाता। और ये जो एक प्रकार से फिरोमोन जो होता है ये अंडोसर को प्रेरित करने वाला और मैथुन को प्रेरित करने वाला क्या है कि फिरोमोन है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे फिरोमोन्स हैं वो स्तनधारियों के अंदर भी बनते हैं, यानी हमने कीटों के अंदर भी देखा है, स्तनधारियों के अंदर भी देख लिया और स्तनधारियों के अंदर भी एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा है। तो ये अपना फिरोमोन का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब फिरोमोन्स के जो उपयोग हैं, अब फिरोमोन का उपयोग बहुत अधिक है क्योंकि सबसे पहली बात तो कि कीटों के अंदर फिरोमोन का उपयोग फिरोमोन ट्रैप के रूप में किया जाता है। फिरोमोन जो है कीटों के द्वारा स्पेसिफिक प्रकार के बनते हैं, उन फिरोमोन को क्या किया जाता है कि बरसात के दिनों में या प्रथम बारिश के दौरान क्या किया जाता है कि उनका लेपन जो है वो खेतों के अंदर पेड़ पौधों पर कर दिया जाता है, बड़े पेड़ों पर कर दिया जाता है ताकि वो जो उसी जाति के कीट जो हैं वहाँ पर आकर्षित हो जाएँ, और आकर्षित होकर के उनको फिर क्या किया जाता है पकड़ कर या तो जला दिया जाता है कीटों को या उनको नष्ट कर दिया जाता है अलग अलग विधियों से जो एग्रीकल्चर में अपने को पढ़ने को मिलती हैं। तो फिरोमोन का उपयोग ये है कि जब किसी कीट का आक्रमण हो जाता है खेत के अंदर तो उस कीट के द्वारा स्त्रावित होने वाली फिरोमोन को कृत्रिम रूप से लेकर के पेड़ों के ऊपर लगा दिया जाता है ताकि सारे कीट वहाँ इकट्ठे हो जाएँ और उनको फिर क्या किया जाता है नष्ट कर दिया जाता है। उसके अलावा जो है ये फिरोमोन जो हैं इनके द्वारा जो अच्छी नस्ल वाले जो अपने स्तनधारी जंतु है गाय कुत्ता गाय है भेड़ है बकरी है उसके अलावा घोड़ा है भैंस है इनके अंदर क्या किया जाता है कि प्रजनन क्रियाकलापों को इन फिरोमोन की सहायता से क्या किया जाता है सुधारा जाता है ताकि अच्छी नस्लों का क्या किया जा सके उपयोग किया जा सके। तो स्टूडेंट आज अपना जो एंडोक्राइनोलॉजी मैमेलियन एंडोक्राइनोलॉजी है वो टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल इसका हल्का सा एक छोटा सा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड फिरोमोन वो देखेंगे और उसके जस्ट बाद में अपनी इथोलॉजी को शुरू करेंगे। थैंक यू।